रैपिंग स्कूली छात्रा के आसाराम दोषी जेल में जीवन काल प्राप्त करता है। 77 वर्षीय जोधपुर के पास अपने आश्रम में 2013 में एक स्कूल लड़की से बलात्कार करने का दोषी पाया गया है। सूरत में दायर एक अन्य बलात्कार मामले में उन्होंने और उनके बेटे नारायण साईं पर भी आरोप लगाया है। गिरफ्तार किए जाने के लगभग 5 साल बाद आसाराम, जो आत्मशैली वाले देवता के साथ लाखों में भाग लेते थे, को 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसका परिवार उन्हें जोधपुर में अपने आश्रम जाने के लिए लाया। आज फैसला एक जोधपुर जेल के अंदर दिया गया था। अधिकारियों ने कुछ दिन पहले फैसला किया था कि आसाराम को अदालत में ले जाने से 77 वर्षीय अनुयायियों को सड़कों पर हिंसक मोड़ने का खतरा होगा। 4 राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात को उच्च चेतावनी दी गई थी। आसाराम, जिसकी दुनिया भर में 400 आश्रम हैं, ने 2013 में युवा लड़की से बलात्कार किया। 2002 और 2004 के बीच गुजरात में सूरत में 2 बहनों से बलात्कार करने के लिए उनके बेटे नारायण साईं के साथ उनका भी आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सूरत परीक्षण के लिए 5 सप्ताह की समय सीमा तय की है। आसाराम को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कड़े कानून के तहत अधिकतम सजा मिली, जेल में जीवन काल। उन्हें 2 अन्य कानूनों के तहत भी आरोप लगाया गया था, प्रत्येक के तहत उसे जेल में 20 साल का समय मिला। आसाराम को मध्य प्रदेश में जोधपुर मामले के लिए इंदौर में गिरफ्तार किया गया था और रेगिस्तान शहर मैं जेल चले गए थे। उन्होंने जमानत के लिए 12 बार अपील की, लेकिन हर बार बंद कर दिया गया। बलात्कार के बचे हुए पिता ने कहा, हमें न्याय मिला है। मैं इस लड़ाई में हमें समर्थन देने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब मुझे उम्मीद है कि उन्हें सख्त सजा मिलेगी। मुझे आशा है कि जिन गवाहों की हत्या या अपहरण किया गया है, वे न्याय प्राप्त करें। जोधपुर परीक्षण के दौरान उनके खिलाफ गवाही देने वाले 9 गवाहों पर हमला किया गया, उनमें से 3 की मृत्यु हो गई। आसाराम, जिनके पास लंबे समय तक बहने वाले सफेद दाढ़ी हैं और सफेद वस्त्रों में कपड़े पहनते थे, पर बलात्कार का आरोप था और POCSO के तहत तस्करी बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर कड़े कानून थे। उसके साथ बलात्कार की गई युवा लड़की को उसके माता पिता ने अकेला छोड़ दिया, क्योंकि आसाराम के सहयोगियों ने कहा कि वह उसे बुरी आत्माओं के ठीक कर देगा। उसने बाद में गवाही दी कि उसने उसे मारने की धमकी दी अगर उसने खुलासा किया कि उसने उससे क्या किया है। उनके साथ आरोप लगाए गए 4 लोगों में से 2 को दोषी पाया गया है, 2 अन्य को बरी कर दिया गया है। हम इस मामले पर हमारी कानूनी टीम के साथ चर्चा करेंगे और फिर हमारे भविष्य की कार्यवाही पर फैसला करेंगे। हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है। आसाराम के प्रवक्ता नीलम दुबे